हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस आई एम योत्सना एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल क्लास इलेवेंथ इंग्लिश बुक स्नैप शॉर्ट्स सेवन चैप्टर द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज बर्थ एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाई ए जे क्रॉन ये जो चैप्टर है ये एक अंश लिया गया है किससे द सेटेडल नाम के एक स्टोरी बुक से एक कहानी से ठीक है जिसके जो मेन कैरेक्टर कौन है एंड्री मैसन है जो कि एक नए नए मेडिकल के तो स्कूल को छोड़ करके आए हैं मतलब इन्होंने अपने मेडिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट की है किसके अंडर में डॉक्टर एडवर्ड पेस के अंडर में जो कि एक छोटे से वेल्श माइनिंग टाउन जो कि ब्लेंनी नाम का है वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे करते हैं एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम हिज डिस एक दिन वो डिसअपॉइंटिंग होकर के मतलब निराश होकर के किससे मिलने के बाद एक शाम को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन से जिसे वो बहुत प्यार करता है उसे लौट रहते हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होते हैं बहुत ही निराश होते हैं और जब वो अपने रूम पे आते हैं अपने क्लिनिक पे आते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि जो मॉर्गन नाम का एक आदमी है जो कि उनका वेट कर रहा होता है जो और उनकी जो वाइफ होती हैं उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और अब ये अपना पहला बच्चा जो है वो उम्मीद कर रहे हैं उसी सिलसिले में जो है जो मॉर्गन जो है इनके पास आते हैं तो जो ये स्टोरी है इस स्टोरी में ये जो बर्थ है इस स्टोरी में ये बताते हैं कि एक मेडिकल लाइन uh, का जो फ्रेशर होता है वो कैसे एक चाइल्ड की डिलीवरी को हैंडल uh, करता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल केस होता है और कैसे एक मरे हुए बच्चे में जीवन डालता है तो आइए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दो इट वॉज़ नियरली मिड नाइट यद्यपि कि ये मध्य रात्रि थी वेन एंड्रयू रीज बैंगोवर जब एंट्र्यू कहाँ पहुँचा बैंगोवर में पूछा बैंगोवर में पहुँचा ही फाउंड जो मॉर्गन तो उसने पाया कि जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम उसका इंतज़ार कर रहा है वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स वो अप एंड डाउन मतलब इधर उधर टहल रहा था छोटे छोटे कदमों से बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस मतलब जो सर्जरी वाला जो उनका रूम था जहाँ पे वो सर्जरी करते थे उस रूम के बाहर ही एंट्रेंस पे उस घर के एंट्रेंस पे एकदम प्रवेश द्वार पे वो छोटे छोटे कदमों से टहल रहा था एज द साइट ऑफ हेम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ और जैसे ही उस बर्ली ड्रिलर्स में हट्टे खट्टे जो ड्रिलिंग का काम करने वाले लोग होते हैं ड्रिलर्स होते हैं ये जो मॉर्गन जो यही कार्य करता था उसके चेहरे पे डॉक्टर को देखते ही थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन मिला एक राहत के अनुभव हुआ ए डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू और कहते हैं डॉक्टर आपको देखकर मुझे खुशी हुई आई बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आर मैं पिछले एक घंटे से यहाँ पे आगे पीछे कर रहा हूँ द मिसेस वॉन्ट्स ये आपकी ज़रूरत है मिसेस मीन्स होता है यहाँ पे जो हेल्प मेट या वाइफ को कहते हैं मिसेस उसको आपकी ज़रूरत है बिफोर टाइम टू समय से पहले एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉर्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफिस ओन अफेयर्स एंड्रयू जो था वो अचानक अपनी जो रिकॉल करता है जैसे क्योंकि ये अभी कहाँ से मिल कर के आ रहा है एक डिसअपॉइंटमेंट होकर के डिसअपॉइंटमेंट के साथ क्रिस्टाइन से मिल के आ रहा है जो उसकी गर्लफ्रेंड है वहाँ से तुरंत अपने आप को अलग करता है जिस बारे में वो सोचता हुआ आ रहा होता है उस, उस चीज़ों से अपने आप को अचानक अलग करता है टोल्ड मॉर्गन टू वेट और कहता क्या है कि मॉर्गन से कि आप मेरा इंतजार करिए ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग और वो अपने हाउस में जाता है बैग लेने के लिए कौन सा बैग जो डॉक्टर्स का बैग होता है वो लेने के लिए दैन टुगेदर दैट आउट फॉर नंबर ट्वेल्व बलीना टेरिस और दोनों फिर साथ में बल नंबर ट्वेल्व बलीना बलीना टेरेस की तरफ रवाना होते हैं द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री जो न रात की जो हवा थी वह बहुत ही ठंडी थी बहुत ही गहरी थी और लग रहा था कि शांत और कुछ रहस्य लिए हुए है यूजुअली सो परसेप्टिव संभवतः मतलब मुख्य रूप से ये जो है सेंसिटिव होते हैं परसिप्टिव मीन्स होते कि बहुत ही भावुक हैं एंड्रीव नाव फेल्ट डल एंड लिस्टलेस जो एंड्रीव है वो बहुत ही अपने आप को डल समझ फील कर रहा है और लिस्टलेस मींस उसके अंदर जैसे लग रहा है उसको कोई एनर्जी ही नहीं है एनर्जी की कमी है ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट हिज नाइट वुड सॉरी नाइट कॉल वुड प्रूफ अनयूजबल उसके पास ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं है कोई पूर्व संकेत नहीं मिल रहा है उसको पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि ये जो नाइट ये जो रात है उसके लिए अस्वाभाविक होने जा रही है स्टिल लेस that इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लिनली और ये इससे बिल्कुल अनजान है कि ये एक प्रेरणा देने वाली है उस ब्लिनली नामक जमे में कि उसका फ्यूचर जो है वो कितना उसको कितना प्रेरित करेगा इस कार्य के लिए The two men walked in silence until they reached the door of number ट्वेल्व ये दोनों आदमी चुपचाप एकदम चुप्पी साथ करके वहाँ पर जाते हैं जब तक कि ये लोग उस दरवाजे पर नहीं पहुँचते कहाँ पर नंबर ट्वेल्व देन जो ड्रू अप शॉर्ट और जो जो है वहीं पर रुक जाता है आई विल नॉट कम इन ही सेट और जो कहता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन उसकी आवाज में थोड़ा सा स्ट्रेन था स्ट्रेन था मीन्स वो परेशान था बट मैम बट मैन लेकिन मैन आई नो डू वेल फॉर अस मगर मैं जानता हूं कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे ऐसा क्या करके जो डॉक्टर को वहाँ से अंदर जाने के लिए कहता है इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम अब कह रहे जब वो अंदर प्रवेश करता है तो एक सकरी सीढ़ी जो है वो ऊपर लेकर के जाती है छोटे से बेडरूम की तरफ क्लीन बट प्योरली प्यरली फिर फर्निस्ड जो कि साफ़ सुथरी तो होती है मगर बहुत ही बुरी तरह से फर्निश होती है, मतलब साज सज्जा उसकी हुई रहती है एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प और वहां पर सिर्फ एक छोटा सा ऑयल लैम्प जल रहा होता है हेयर मिसिस मॉर्गन्स मदर जो मॉर्गन की जो मदर होती है वहाँ पे अ टॉल ग्रे हेयर वोमेन जो कि एक लंबी ग्रे हेयर वाली वोमेन है ऑफ नियरली सेवेंटी जो कि लगभग सत्तर साल की हैं एंड स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ और एक छोटी सी मोटी सी चौड़ी सी एक मिडवाइफ है मतलब दाई है वेटेड बिसाइड द पेशेंट जो कि पेशेंट के बगल में मतलब मिसेस मॉर्गन जो है जो मॉर्गन की जो वाइफ है उनके बगल में बैठ के वेट कर रही है वॉचिंग एंड्र्यूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम अब वो जैसी एंड्रयू रूम में मूव करता है प्रवेश करता है तो जो दाई होती है वो उसका फेस देख रही होती है किसका एंड्रय का लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बाच सेट द फॉर्मर क्विकली जो वो तुरंत शीघ्रता से कहती है आफ्टर फ्यू में कुछ मिनट बीतने के बाद जो वो लेडी होती है वो कहती है कि आप थोड़ा सा वेट करिए बैचलर कह के मतलब वो अकेले होते हैं इसलिए कि मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली एंड्रयू जो होता है वो हल्के से मुस्कुराहट देता है ही सॉ दैट द ओल्ड वोमन वाइज इन एक्सपीरियंस वो समझ गया कि जो ओल्ड वुमेन है कौन यहाँ पे जो उसकी वाइफ है उसकी मदर है किसके मॉर्गन की जो मदर हैं वो एक बुद्धिमान और एक्सपीरियंस लेडी है रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट कि थोड़ा सा समय है वेट करना पड़ेगा शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस और उसको डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी देर है तो एंड्रयू वापस चला जाए से ही वुड रिटर्न लेटर और यह क्या करके कि वो थोड़ी देर में फिर आता है डोंट फ्रेट मदर आई विल नॉट रन फिर एंड्रयू जो है उसका आंसर कहता है घबराइए नहीं मैं नहीं घबराइए नहीं माँ मैं नहीं भागूंगा डाउन इन द किचन ही ड्रेंक द टी अब वो नीचे किचन में जाकर के एंड्रू चाय पीता है विथ शी गेव जो कि उसको वो देती है ओवरऑट मतलब वेरी एक्साइटेड होकर के बहुत ही एक्साइटेड होकर के एज ही वॉज जैसा कि वो था ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवेंट एन आर स्लीप इफ ही वेंट होम जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कौन एंड्री कि अगर वो घर भी जाता है अपने घर पर जाकर के भी वो एक घंटे की भी नींद नहीं ले सकता था ही न्यू टू दैट द केस हियर डिमांड ऑल हिज अटेंशन और वो अच्छी तरह से जानता था कि ये जो केस था डिलीवरी का इसके पूरे अटेंशन की डिमांड कर रहा था अ अक्वेर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा सिक फील कर रहा था वो थोड़ी सी सुस्ती फील कर रहा था उसके ऊपर सुस्ती का प्रभाव हो रहा था किसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर फिर भी वो डिसाइड करता है निश्चय लेता है कि जब तक कि सब कुछ फिनिश नहीं हो जाएगा ठीक ठाक नहीं हो जाएगा वो वहीं रहेगा एन आर लेटर एक घंटे बाद ही वेंट अप स्टेयर अगेन वो दोबारा ऊपर जाता है सीढ़ियों से नोटेड द प्रोग्रेस मेड और देखा कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है केम डाउन वंस मोर और फिर नीचे आता है सेट बाई द किचन फायर और किचन का जो फायर होता है वहाँ पर आग जल रही होती वहाँ पे बैठ जाता है इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिकट ऑफ द होल होल सॉरी वॉल क्लॉक फिर कहते हैं यहाँ पे कि इट वॉज अस्टिल ये सुरसराहट वाली जो है एकदम शांत होता है एक्सेप्ट एक थोड़ी सी जो सॉफ्ट एशेज होते हैं सिंडर मीस होता है ऐशेज़ जो राख होती है वो होती है और थोड़ी बहुत इनको टिक टॉक की जो वॉल घड़ी होती है जो वॉल क्लॉक होती है दीवाल की घड़ी उससे टिकटॉक की आवाज़ आ रही होती है नो देर वॉज अनदर साउंड एक और साउंड था द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप एज ही प्लेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड उसको इस टिकटॉक के और ऐशियस के इन सब चीज़ों के अलावा मॉर्गन के पदचाप भी सुनाई दे रहे थे पैरों के चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी जो कि बाहर सड़क पर चट टहल रहा था द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस उसके विपरीत जो उसके अगेंस्ट में जो बैठी हुई थी ओल्ड वुमेन उसने काले रंग का ड्रेस पहना था क्वाइट मोशनलेस वो भी मोशनलेस थी मतलब हिलडुल नहीं रही थी हर आईज स्ट्रिंजली अलाइव एंड वाइज प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस और उसकी जो आँखें थी सत की वो लगातार केयरफुली किसको एग्जामिन कर रही थी डॉक्टर को एग्जामिन कर रही थी देखती रह रही थी एग्जामिन करना मीन्स वो डॉक्टर के एक्सप्रेशन को रीड कर रही थी हिज थाट्स वर हैवी मडल्ड जो कि डॉक्टर के थॉट्स कैसे थे बहुत हैवी थे काफ़ी भारी थे और मडल्ड थे मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज था वो द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब ऑबसड हिम मॉरबिडली उसने एक इंसिडेंट देखा था एक विटनेस किया था एक दृश्य का साक्षात्कार किया था जो कि कार्डिफ स्टेशन पर हुआ था वो उसको याद कर रहा था ही थाट ऑफ ब्रामवेल वो ब्रामवेल को याद करता है फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीवड हिम सोरडि सॉरडिडली और वो याद करता है किसको कि एक जो वुमेन थी जिसने डिसीव किया था क्या चीज़ बहुत ही बुरी तरीके से ऑफ़ एडवर्ड पेस एडवर्ड पेस के मतलब उसकी भी स्थिति कुछ ख़राब थी एडवर्ड पेस जो जिसका कि ये एंड्रयू असमेंट है उस असिस्टेंट है उसने हैंडल किया था बाउंड टू द शिविश बोल्डवेन जो कि एक झगड़ालू प्रती की औरत थी झगड़ालू औरत के साथ जो उसके एडवर्ड पेस का जो एक तरह से इंट्रैक्शन हुआ था वो उसको याद करता है ऑफ डिनाई ऑफ डेनी लिविंग अनहैपली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ जो कि इस वजह से अनहैप्पली मतलब नाखुश होकर के अपनी वाइफ से दूर हो गई थी हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमिल फेलियर्स और रीजन क्या था कि इस तरह के जितने भी मैरिजेस होती हैं वो अक्सर फेलियर हो जाती है मतलब सक्सेस नहीं हो पाती हैं इट वॉज़ अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रजेंट स्टेट मेड हिम विंस और कहते हैं इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि वो जो प्रजेंट कंडीशन है उसकी वो इसको छोड़ दे ही विज टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक सॉरी आइडलिक स्टेट अब वो कहता है कि ये जो इच्छा है शादी की वो कंसीडर करता है कि जो मैरिज है उसको एक सुखद स्टेट पे होना चाहिए येस yes, ही कूड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम और ये इन सब चीज़ों की कल्पना तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि वो क्रिस्टाइन से नहीं मिला था हर आईज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम उसकी आँखें इसके लिए चमक रही थी एडमिटेड नो अदर कन्क्लूजन और कोई कॉन्क्लूजन की जरूरत नहीं थी निष्कर्ष की जरूरत नहीं थी मतलब जब यह इंटरेक्ट करके आता है उससे मिल कर, कर के आता है तो उसके बाद फिर वो कहता है कि उसकी जो आंखें थी जो उससे मिलता है तो उसके अंदर एक चमक आता है उसको देख करके शादी करने का ख्याल आता है किसके अंदर एंड्रयू का ये इन सब चीज़ों को याद कर रहा है इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवर फ्लोइंग हर्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज और वो परेशान भी था क्योंकि उसकी जो फीलिंग थी वो डाउटफुल कंडीशन में था कि क्या करना चाहिए ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट धीरे से जो एंड्रयू है वो अपने चिन्ह को अपनी दाढ़ी को थोडी को अपने चेस्ट पे झुका लेता है स्ट्रेस्ट आउट हिज लेग अपने पैर को फैलाता है स्टेयर्ड ब्रूडिंगली द फायर और फायर के पास सोचते हुए ऐसा ही कुछ पैर को फैलाता है मतलब अपनी पुरानी बातों को वो याद करते हुए अपने पैर को फैलाता है ही रिमेंड लाइक दिस सो लॉन्ग और काफी देर तक वो ऐसे ही बैठा रहता है एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विथ क्रिस्टाइन और उसके जो थाट्स होते हैं जो उसमें विचार कर रहा होता है वो पूरी तरह से क्रिस्टाइन के बारे में सोच रहा होता है दैट ही स्टार्टेड वेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्टिंग और तब तक वो सोचता रहता है जब तक कि जो ओल्ड वुमेन थी उसके अपोजिट में बैठी थी उसको एड्रेस नहीं करती है हर मेडिटेशन हेट परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स अब वो समझ जाती है उसका जो मेडिटेशन होता है वो जो औरत होती है वो अपनाती है एक दूसरी मतलब एंड्र्यू को उसके जो पास्ट में वो सोच रहा होता है उस जगह से वो निकालती है कौन जो उसकी मदर होती है मॉर्गन की जो वाइफ मदर होती है उसके बगल में बैठी थी वो एंड्रयू का ध्यान जो है करंट सिचुएशन पे लाती है सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी फिर वो बताती सुजैन जो कि उसकी वाइफ है मॉर्गन की वो कहती है मदर मतलब मॉर्गन की मदर बताती है डॉक्टर को कि सुजैन ने कहा था कि उसको क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाएगा क्लोरोफॉर्म इस बेहोश करने की दवा नहीं दी जाएगी शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन हिज दिस चाइल्ड वो बहुत ही डरी हुई है अपने इस बच्चे को लेकर के डॉक्टर बच हर ओल्ड आइज इज एट अ सडन थाट और एकाएक उसके मन में एक विचार आता है आंखों में चमक आती है शी एडेड इन अ लो टोन और धीरे से वो बोलती ए वी ऑल आर आई फैंसी मुझे लगता है कि हम सभी लोग किसी न कोई न कोई, कोई कल्पना करते रहते हैं सपने में लगे रहते हैं ये यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों की ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में ये जो ओल्ड लेडी होती है जो सेवेंटी इयर्स की मॉर्गन की मदर है वो इसलिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि जो एंड्रू है वो अपना फुल अटेंशन जो है उस डिलीवरी पे ही दे इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक ही सेट काइंडली फिर वो विनम्रता के साथ जो एंड्रू है वो बोलता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा दे ऑल दे विल बी ऑल राइट वो दोनों सही रहेंगे सब कुछ सही रहेगा हियर द नर्सेस वॉयस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग ऊपर से जो नर्स होती है उस रूम में बैठी होती है बेडरूम में वो वहाँ से आवाज़ दे करके बुलाती है एंड्री ग्लॉस एट द क्लॉक एंड्री जो है वो घड़ी पे नज़र डालता है विच नाउ शूड हाफ पास थ्री जिस पे कि साढ़े तीन बज चुके थे ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम वो उठता है वहाँ से और बेडरूम में जाता है ही परसीव दैट ही माइट ना बिगिन हिज वर्क अब वो समझ जाता है कि अब उसको अपना काम करना होगा एन आर इलेप्सड एक घंटा बीत चुके हैं इट वॉज़ अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल और ये एक लंबा और बहुत ही कड़ा स्ट्रगल था संघर्ष था देन तब एज द फर्स्ट स्ट्रिक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकेन एजस ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस और जैसे ही जो पहली uh, मतलब कह सकते हैं जो uh, यहाँ पे जो uh, कहते हैं भटका हुआ जो एक तरह से ब्रोकन एजेस होता है या फिर जो भोर का समय होता है तो उस समय जो बच्चा है मतलब साढ़े चार घंट चार बजे की बात है ये उसमें थोड़ी सी रोशनी आ रही है अंधेरा टूट चुका है जो बच्चा है वो लाइफलेस पैदा होता है मरा हुआ स्थिर स्थिर पैदा होता है एज ही गेस्ड एट द स्टिल फ्रॉम अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर एंड्री और जैसे ही वो उसको देखता है किसको गेस करता है उस बच्चे को मरे हुए बच्चे को तो एंड्रू जो होता है वो भय से भर जाता है आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है हिज फेस हीटेड अप हीटेड विद हिज़ ओन एक्सकर्शंस अब जो इसका विचार है खुद ही उसका विचार जो है उसका जो मन होता है वो इधर उधर उसका फेस जो होता है वो तपने लगता है ओन एक्सप्रेशंस अपने एक्सप्रेशंस को बाहर करता है और कहता है एक्सकरशंस में तब वो बाहर अपने फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस देता है चिल्ड सडनली और एकाएक शांत हो जाता मतब, आ, है चिल्ड हो जाता मतलब विदाउट एनी मोशन हो जाता है ही He hesitated वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है संकोच करता है टॉर्न between his डिज़ायर टू अटैम्प्ट टू resuscitate द चाइल्ड कि वो दोबारा कैसे उस बच्चे को जीवित करे इसके बारे में वो लगातार सोचने लगता है एंड हिज obligation टूवर्ड्स द मदर और उसकी मदर के प्रति मतलब मॉर्गन की जो मदर होती हैं उसके प्रति जो अपनी ऑब्लिगेशंस होती जो औपचारिकताएँ है, होती हैं उसके बारे में वो सोचता है हु वॉज़ हर सेल्फ इन अ डेस्परेटिस्ट जो कि खुद ही निराश थी बहुत ही निराशा स्थिति थी उसकी मदर की भी द डेलिमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन् कॉन्शियसली मत वो इतनी दुविधा में था इतनी बुरी तरह से वो दुविधा में फंसा हुआ था उस समय कि वो कोई कॉन्शियस नहीं हो पा रहा था कि कैसे उसको कॉन्शियस में लाया जाए ब्लाइंडलीसिंगटिक इंस्टिक्टिवली फिर वो सहज होता है ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स वो नर्स को बच्चा देता है एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन और वो अपना अटेंशन अब किसकी तरफ देता है सुजैन मॉर्गन हु नाउ ले कोलेब्स जो कि थकी हुई हारी हुई लेटी हुई थी ऑलमोस्ट पर्सलेस और लगभग मरे हुए के समान थी एंड नॉट येट आउट ऑफ द एदर अपॉन हर साइड यहाँ तक कि वो अपने अपने करवट को भी या अपने आप पोजिशन को भी चेंज नहीं कर सकती थी हिज हेस्ट वॉज डिस्परेट उसकी जल्दबाजी शीघ्रता जो थी वो निराशाजनक थी अ फेंट्रिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ और वो लगातार उसको रगड़ता है इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन और वो तुरंत जो है एक इंजेक्शन की शीशी को तोड़ता है और इंजेक्शन लगाता है देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सरेंज एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली और सख्ती से फिर वो अपना कार्य शुरू कर देता है टू रिजॉर्ट द फ्लेसिड वुमेन उस बेहोश हुई औरत के ऊपर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और फ्यूवरिश एफर्ट लगातार एफर्ट करने के से वो थोड़े समय के बाद हर हर्ट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन जो औरत थी उसका जो हर्ट है वो हार्ट बीट चलने लगती है ही सॉ दैट ही माइट सेफली लिवहर और उसको अब यह समझ में आ जाता है कि अब जो मिसेस मॉर्गन है सुजैन मॉर्गन है उसको सुरक्षित उसी तरह से छोड़ा जा सकता है अब वो खतरे से बाहर है ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प अप्रो अब जो उसकी आईब्रोज वगैरह होती हैं वो सब गीली पड़ जाती हैं वो अपनी शर्ट्स को जो है उसको मोड़ता है एंड कहता है क्या वेयर इज द चाइल्ड की बच्चा कहाँ है द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर मिडवाइफ जो होती है जो दाई होती है वो इशारा करते हुए बताती है मतलब डर वाला इशारा करती है और बताती है कहाँ पे है शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड उसने उसको बेड के नीचे कर दिया था उस मरे हुए बच्चे को इन अ फ्लैश एंड्री नेल्ट डाउन एंड्री जो है झुक करके झुकता है फिशिंग अमंगस्ट दॉडन न्यूज पेपर बिलो द बेड और उस जो एक तरह से बेहोश हुआ जो न्यूज़पेपर में बंधा हुआ बच्चा होता है उसको बाहर खींचता है पुल्ड आउट द चाइल्ड और बच्चे को बाहर निकालता है अ बॉय परफेक्टली फॉर्म जो लड़का होता है वो पूरी तरह से फॉर्म हो चुका है उसका ढांचा स्ट्रक्चर बना होता है द लिंप वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टलो टलो मींस होता है एक कोई एनिमल है जो कि उसको मेल्ट कर दिया गया हो और उसको सोप के कोई शेप दे दिया हो मतलब उस तरह से निर्जीव था मगर एक पूरा तरह से लंप बना हुआ था एक बच्चे का ढांचा बना हुआ था द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्स्र जो उसका स्किन था बहुत ही अच्छा टेक्स्चर था उसका स्मूथ था और बहुत ही टेंडर था सॉफ्ट था द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक जो उसका हेड था वो लटका हुआ था एक पतले से गर्दन के सहारे द लिम्स सीम्ड बोनलेस और जो उसके लिम्स थे जो मांसपेशियां थी वो लग रही थी कि उसमें बोन है ही नहीं हड्डियां है ही नहीं स्टिल नीलिंग अभी भी झुका हुआ एंड्री स्टियर एट द चाइल्ड विद हैगर्ड फ्रॉन जो बहुत ही घूर करके उसको देखता हैगर्ड मीन होता है वैसे जंग जंगली लेकिन बहुत बहुत सी घोड़ करके यहाँ पे बहुत टेंसड होकर के वो उसको देखता है बच्चे को द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग एस फक्सिया पैलिडा एंड हिज माइंड अन टेंस अब वो जब उस बच्चे को देखता है पूरी तरह से वाइट हुई उसकी बॉडी को देखता है तो वो समझ जाता है कि बच्चे की जो मृत्यु हुई है दम घुटने से हुई है ये एक तरह से कैसी कंडीशन होती है जो कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे कभी कभी मर जाते हैं और उसका माइंड जो है अनावश्यक ही टेंस्ड हो जाता है रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन अ समारिटन टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज फिर उसको एकाएक वो याद करता है कि समेरिटन नाम की एक जगह पर उसने जो ट्रीटमेंट दिया था ट्रीटमेंट uh, देखा था कि कैसे बच्चे के अंदर लाइफ लाई गई उसको वो याद करता है रिकॉल करता है इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट और तुरंत वो अपनी फीट पर बैठ जाता है गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट द नर्स वो नर्स को जो दाई बैठी होती है उसको कहता है जा करके मेरे लिए तुरंत गर्म वाटर और ठंडा वाटर लेकर के आओ एंड बेसन टू और बेसन में यहाँ पे बर्तन से है क्विक क्विक जल्दी करो बट डॉक्टर शी फ्लैट वो कहती है कि लेकिन डॉक्टर हर आइज ऑन द दैल सॉरी पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड उसकी जो कमज़ोर पड़ जाती है उसकी आंखें जो बच्चे को देखती है कहती है कि पीली पड़ी हुई है बॉडी बच्चे की मतलब वाइट हो चुका है निष्प्राण हो चुका है क्विक ही शॉर्टेड फिर भी एंड्रू यहाँ पे कहता है कि जल्दी करो स्नैचिंग अ ब्लैंकेट और उसे एक ब्लैंकेट छीनता है ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन द स्पेशल मैथड ऑफ रेस्पिरेशन और वो उस बच्चे को उस ब्लैंकेट पर लिटाता है और सांस भरने के लिए उस बच्चे की बॉडी में एक अलग सा मेथड यूज करता है द बेसेंस अराइव्ड द ईवर जो बेसिन आता है मतलब वो बर्तन आता है एक थाली कह सकती है या बहुत डीप सा कोई बर्तन होता है वो ले करके आता है द ईवर जो सुराई की तरह होता है द बिग आयरन केटल जो कि बड़ा सा एक लोहे का केटल हो, होता है फ्रेंटिकली ही स्पलस्ड अब वो पागलों की तरह जो डॉक्टर होता है एंट्री वो पागलों की तरह ही स्प्लेड कोल्ड वाटर इंटू वन बेसिन एक बर्तन में कोल्ड वाटर डालता है इंटू द अदर ही मिक्सड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड बियर और दूसरे बर्तन में वो हॉट वाटर डालता है और ठंडे पानी में हॉट वाटर भी डालता है कि उसको उसका हैंड जो है उसको बियर कर सके जैसे हम लोग भी सुबह में ठंडियों के समय में नहाने से पहले गर्म पानी में अपना चेक करते हैं कि बियरेबल हो उसी तरह से डॉक्टर भी चेक करता है देन लाइक सम क्रेजी जगलर और फिर एक जादूगर की तरह या फिर कह सकते हैं बाजीगर की तरह वो इस केस को जीतना चाहता था उस बच्चे को लाइफ लाना चाहता था क्रेजी हो जाता सनक की प्रवृत्ति अपनाता है ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू एक में से दूसरे एक गर्म वाले बर्तन जो हल्का सा गर्म वाला बर्तन होता है उसमें से ठंडे वाले में ठंडे वाले से गर्म वाले में उसको शिफ्ट करता है नो प्लगिंग इट इंटू द आईसी नो इंटू द स्टीमिंग बाथ मतलब एक बार ठंडे पानी में डालता है बच्चे को और एक बार गर्म पानी में डालता है फिफ्टीन मिनट्स पास्ट पंद्रह मिनट बीत चुके हैं स्वेट वॉज नो रनिंग into एंड्रीज आइज ब्लाइंडिंग him। और पूरी तरह से जो एंड्री था उसकी आंखें जो हैं पसीने से भीग जाती हैं उसको धुंधला कर रही हैं ब्लाइंड कर रही हैं वन ऑफ यू स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग उसका एक बाजू जो है वो ड्रिप हो गया है भीग चुका है अच्छी तरह से नीचे लटक रहा है ब्रीथ केम पेटिंगली मतलब उस वो जो सांस ले रहा है उसमें एंड्रयू का सांस हाफने वाला उसकी आवाज आ रही है मतलब उसकी सांस में जैसे लग रहा है कि वो हाफ करके थका हुआ कर रहा है बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड लेकिन उस बच्चे की बॉडी में कहीं भी कोई भी जो हलचल जो होता है सांस नहीं आती है अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम अ रैगिंग होपलेसनेस जो डॉक्टर होता है वह निराश हो जाता है वो निराश होने लगता है डिफीट प्रेस में तो उसको लगता है कि वो हार रहा है क्या नोटिस करता है कि जो मिडवाइफ होती है उसको लगातार वॉच कर रही होती है पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित की होती है वाइल्ड एयर जबकि वहां पे प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेंट जहां पे की वो वॉल का सपोर्ट लेके लगातार वहाँ पे बैठी हुई है हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट और उसका हैंड जो है उसकी थोड़ी पे लगा हुआ है अटरिंग नो साउंड और कोई भी आवाज़ वो नहीं निकाल रही है हर आइज बर्निंग अपॉन हिम और उसकी आंखों से जैसा लग रहा है कि आग निकल रहा है वॉज द ओल्ड वुमेन वो एक बूढ़ी औरत है मतलब हैरान होकर के वो उसको डॉक्टर को देख रही है ही रिमेंबर हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड और उसको याद आता है कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को मतलब वहाँ पे जो बूढ़ी औरत है ये दाई के लिए नहीं उस वाइफ उस मदर के लिए यूज़ किया है जो उसकी की इच्छा थी अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने पोते को देखने की एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हर दिस चाइल्ड जैसा कि उसकी बेटी का खुद का अपनी बच्चे को पाने के लिए था ऑल डेस्ट अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी लेकिन सारा उपचार जो था रेमेडी थी वो व्यर्थ हो रही थी द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मिस जो फ्लोर है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है मेसअप हो चुका है स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवल एंड्री ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड और पूरी तरह से उस टॉवल पे जो एंड्री हो उसने उस बच्चे को वहाँ पे रख दिया है विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपली स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश जो कि उसके हाथ से ऐसे फिसल रहा है जैसे कोई सफेद मछली फिसलती है फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर डॉक्टर द मिडवाइफ मिडवाइफ जो होती है वो थोड़ा सा रिरियाती है मतलब रिक्वेस्ट करती है गिड़गिड़ाती गिर्ण है और कहती है कि थोड़ा सा दया करिए इट्स स्टिल बॉन्ड ये मरा हुआ बच्चा है एंड्री डिड नॉट ही हर एंड्री उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है बीट एंड डिस्पेयरिंग वो पूरी तरह से अपनी निराशों को हराना चाहता था हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर और निरर्थक वो एक घंटे तक और प्रयास करता है ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल और वो एक अंतिम मेहनत अंतिम कोशिश और करना चाहता है और उस बच्चे का वो रफ टॉवल से रब करता है क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स और उसके चेस्ट को हल्का हल्का उसको क्रश करता है ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू दैट लिम्प बॉडी और उस जो मांस का लोथड़ा है उस बॉडी में वो लाइफ डालना चाहता है एंड देन और तब एस बाई अ मिराकल एक मिराकल की तरह मिराकल की तरह मतलब एक जैसे चमत्कार की तरह द पेगमे चेस्ट जो चेस्ट था उस बच्चे का विच हिज हैंड्स इनक्लोज गिव अ शॉट उसने एक झटका दिया एक शॉट दिया एक हल्का सा हिला कन्वल्सिव हीधर एंड अनैदर और धीरे धीरे जो उसका चेस्ट है वो हल्का हल्का बच्चे का हिलने लगा एंड्रयू टर्नडिडी गिडी और जो एंड्रयू है अभी भी लगातार उस प्रोसेस को कर रहा है द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनविलिंग स्ट्राइविंग मतलब व्यर्थ में या कह सकते इतने लंबे समय तक जो प्रयास कर रहा था उसको व्यर्थ लग रहा था अब वो बच्चा जो है उसके फिंग जो डॉक्टर है उसके फिंगर्स के नीचे जो चेस्ट है बच्चे की उसमें हल्की हल्की से उसको लाइफ महसूस हो रही है सो वॉज स्ट्राइविंग वॉज सो एग्जिक्यूस सॉरी एक्सक्यूजाइट एक्सक्यूजिट इट मो इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट और उस तरह से वो पूरी तरह से लगभग लगा था थक गया है फेंट होने वाला है बेहोश होने वाला है मतलब इतनी बुरी तरह से ये प्रोसेस करते करते डॉक्टर थक चुका था ही रीडबल्ड हिज एफर्ट लेकिन अब उसने अपने एफर्ट को दुगना कर दिया फ्यूवरिशली मतलब बहुत ही उत्तेजना के साथ उसको जस्ट डबल कर दिया द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ अब जो चाइल्ड है वो गैसप कर रहा है जैसे लग रहा है उसमें हिल रहा है सांस आ रही है डीपर एंड डीपर और और गहरी आने लगी अ बबल ऑफ मस सॉरी मकस केम फ्रॉम वन टिनी नॉस्टिल और उसके एक बबल निकलता है एक उसके नॉस्टिल से नाक के एक छेद से बबल टाइप का निकलता है अ जॉयफुल इिडिसेंट बबल और वो खुश हो जाता है मतलब जॉय देता है जो बबल्स उसके नाक से निकलते हैं बच्चे के इट मीन्स की ही वॉज एबल टू टेक ब्रीथ बच्चे में अब लाइफ आ चुका है और सांस ले रहा है द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस और जो उसके लिम्स थे अब वो बोनलेस नहीं लग रहे थे अब उसके अंदर थोड़ा सा लग रहा था कि वो हार्ड हो रहा है द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली और लग रहा था कि जो उसके हेड है अब वो स्पाइनलेस नहीं है जैसे वो लटका हुआ था जिसमें वो पैदा हुआ था अब लग रहा था कि उसमें कुछ स्ट्रिकनेस है द बैलेंस्ड स्किन द सॉरी ब्लेंस्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक और जो उसका ब्लेंस्ड uh, स्किन था जो वाइट पड़ी हुई स्किन थी अब वो धीरे धीरे पिंक हो रही थी देन एक्सिक्यूसिटिवली केम द चाइल्ड्स का और अंत में बहुत तेजी से उस बच्चे की आवाज़ आई चीखने की डियर फादर इन हैवन द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली पागलों की तरह जो वो नर्स होती है वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि हे ईश्वर इट्स कम इट्स कम अलाइव अब ये बच्चा जो है जीवित हो गया जीवित हो गया वो इसके लिए जो गॉड है उनको थैंक्स करती है कौन मिडवाइफ़ जो नर्स होती है एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड एंड्रू जो होता है उसको बच्चे को हैंड ओवर करता है ही फेल्ट वीक एंड डेज अब वो अपने आप को एंड्रू जो है वो कमजोर महसूस कर रहा होता है और उसको डेज थका हुआ सा महसूस करता है अबाउट हिम द रूम ले इन द शडरिंग लेटर जो पूरा रूम है वो एक तरह से, से सेहरन भर जाती है उस रूम में पूरी चीज़ें भरी हुई होती ब्लैंकेट्स टॉवल्स बेसिन सॉरी सोयल्ड इंस्ट्रूमेंट्स और सारी चीजें जो है उसमें फैली हुई हैं द हाइपोडर्मिक सीरेंज इम्पेल्ड बाई इट्स पॉइंट और जो हाइपोडर्मिक सिरिंज होती है जिसको कि छेदने के लिए जिसको इंजेक्शन लगाने के लिए तोड़ने के लिए रखा था वो था इन द लिनोनियम लिनोनियम के ऊपर रखा हुआ था ये एक वस्तु होती है या फिर ऐसे एक मेटर मटीरियल होता है जिसके ऊपर सामान रखा था दूवर दूवर नॉकड ओवर यूवर मीन्स जो सुराही टाइप का जो उसका केटल होता है ओवर वहाँ पे रखा हुआ था ऊपर में द केटल ऑन इट्स साइड द पर्डल्ड ऑफ वाटर वहां पे पानी भी रखा होता है अपॉन द हडल बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक उसकी माँ जो होती है मतलब मिसेस सुजैन सुजैन मॉर्गन जो होती है वो अभी भी बेहोश होती है अपने सपने में होती है द ओल्ड वोमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट वर्ल्ड जो ओल्ड वोमेन होती है मिसेस मिस्टर मॉर्गन की जो मदर होती है वो अभी भी दरवाजे के पास दीवार के पास सटी हुई बैठी है स्टिल रहती, रहती है शांत रहती है बट हर हैंड्स वर्क टुगेदर लेकिन उसके हाथ जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड शिवर स्प्रिंग और बिना मुंह खोले उसके जो लिप्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं इस मीन्स कि वो बिना आवाज़ निकाले लगातार प्रेयर कर रही होती है मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव्स पुल्ड ऑन हिज जैकेट अब जो मशीन की तरह जो एंड्रयू काम कर रहा होता है वो अपना ऐठा हुआ जो स्लीव्स होता है जो शर्ट का उसको ठीक करता है अपनी जैकेट को लेता है आई विल फैच माई बैग लेट नर्स और नर्स से कहता है कि मैं अपना बैग जो है बाद में आकर के ले जाऊंगा ही वेंट डाउन स्टेयर्स वो नीचे जाता है थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी और वहाँ पे जाता है जहाँ पे कि किचन uh, का जो सारा सामान होता है वहाँ पे जो मदद करते हैं उनके पास जाता है हिज लिप्स वर ड्राई उसके होठ सूख चुके हैं एंड द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर और वहाँ जाकर के वो उस समय एक अच्छा खासा पानी पीता है मतलब ज़्यादा पानी पीता है रीस्ड फॉर हिज हेड एंड कोट और फिर वो अपना हेड और कोट लेता है आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पर्वमेंट विदेंसड एक्सपेक्टेंट फेस उम्मीद भरी नजर से आज भरी नजर से वो बाहर जब जाता है जो एंड्रू uh, तो देखता है कि जो जो है वहां पर खड़ा होता है पर्वमेंट पे और टेंस होकर के उम्मीद भरी नजर से आस भरी नजर से एंड्री को देखता है ऑल राइट जो ही सेट थिकली और फिर वो कहता है ठीक है जो बोथ हार बोथ ऑल राइट दोनों सही सलामत है कौन कहता है ये एंड्रयू जो को बताता है फिर अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट अब क्योंकि इतनी सुबह हो चुकी है जो माइनर्स है क्योंकि वो माइन वाले आ, इलाके में रहते थे जो माइनर्स हैं वो स्ट्रीट पे नजर आते हैं द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट क्योंकि जो नाइट शिफ्ट की जो फर्स्ट होती है नाइट शिफ्ट वाले जो है वो रिटर्न हो रहे होते हैं एज एंड्री वॉकड विथ दैम और एंड्री उन्हीं के साथ बढ़ता है स्पेंट एंड स्लो धीरे धीरे वो बढ़ता है हिज फुट फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई उसके भी फुट हॉल्स जो फुट फॉल्स होते हैं जो पदचिन्ह होते हैं वो इको करते हैं आवाज़ करते हुए और लोगों के साथ सुबह में स्काई के नीचे चल रहे होते हैं ही कैप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली वो लगातार सोच रहा होता है ओबियस टू ऑल वर्क ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली अब वो अपने और सारी चीज़ों को और सारी बातों को याद करने लगता है जो कि उसने ब्लेंली में की होती है एज अ डॉक्टर आई हैव डन समथिंग ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट कि अंततः मैंने कुछ ना कुछ इस यहाँ पे कर दिया है ब्लनली में मैंने कुछ किया है और जो कि सचमुच में कुछ किया ही हुआ है तो बच्चा यहाँ पर ये जो स्टोरी है ख़त्म होती है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू फॉर लिसनिंग